इस घर को देखिए, यह पुलिस अधीक्षक का घर है। बीती रात चोरों ने इसी घर पर धावा बोला और बर्तन जेवर सहित हजारों के सामान चोरी करके चलते बने। चोरों ने बीती रात सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि आसपास के तीन घरों को अपना शिकार बनाया। घर का ताला तोड़ सामान चुराए और चलते बने। अब यह भी जान लीजिए यह घटना कहां हुई। यह घटना कहीं और की नहीं बल्कि कटिहार की ही घटना है। कटिहार के फलका की रहटा पंचायत के हसेली गांव की। यहां लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार का पुस्तैनी घर है। इस घर में रहती है पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार की वृद्ध माँ परमेश्वरी देवी, साथ में कई रिश्तेदार भी रहते हैं। बीती रात चोरों ने घर में घुसकर स्टोर रूम सहित कई बक्सों का ताला तोड़ा और चांदी के बर्तन सहित कई कीमती सामान लेकर चलते बने। पुलिस अधीक्षक की वृद्ध माँ परमेश्वरी देवी ने हमारे फलका संवाददाता चंदन को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब वह सुबह 5:30 बजे सोकर उठी और उन्होंने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने फोन करके अपने रिश्तेदारों को बुलवाया। तब जाकर पता चला कि घर के अंदर चोर चोरी करके फरार हो चुके हैं। यहाँ पे एक घटना हुआ कि हम लोग सोए हुए थे, आया गेट, मेन गेट का पता तोड़ के घुस गया। हम तो नहीं देखे, हम लोग सोए हुए थे। हाँ, पंखा चल रहा था, बाहर से अथी छिटकनी लगा दिया हैंडिल। हाँ, रूम का। हाँ, मेरे रूम का ताला तोड़ तोड़ के सब जगह, चार जगह ताला तोड़ के इस रूम में टरंग था, उसी टरंग से बर्तन सब लिया, जेवर सब था। कितने का जेवर होगा? चांदी का था, सोने का था, लगभग 50-60 हजार है ना। हाँ। और कौन कौन था घर पे? घर में हम हैं, ये लड़की सब रहती है। कब मालूम चला आपको ये कि सुबह उठे ना 5:30 बजे तो बाहर निकलना चाह रहे थे। हाँ, गेट खोल रहे हैं तो खुलिए न रहा है, नहीं खुला। तब फोन किए इसकी मम्मी को। हाँ, तो वहाँ से मम्मी आई तो देखी कि वहाँ कटा हुआ है। वहाँ से आई तब यहाँ आके तब किसी तरह जैसे जैसे फोन पे कहे कि नहीं खुल रहा है, तब आके किसी तरह घुसी और तब जाके हैंडल खोली तो हम लोग निकले। तब देखते हैं कि सब जगह सब पता। तब हम फोन किए सबको। थाना प्रभारी भी आया था? हाँ, थाना प्रभारी था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमेश्वरी देवी। घर कहाँ हुआ? घर हसेली। कौन सा पंचायत पड़ता है? चोरों ने सिर्फ पुलिस अधीक्षक के पुस्तैनी घर को ही अपना शिकार नहीं बनाया बल्कि आसपास के दो घरों को भी अपना शिकार बनाया और उन घरों से भी कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इधर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना स्थल से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर फलका बाजार के पास भी एक दुकान का ताला तोड़कर चोर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सूचना मिलने पर फलका थाना प्रभारी मुन्ना पटेल पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल तो लोगों का है। लोगों का कहना है कि जब पुलिस अधीक्षक के घर महफूज नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आपके घर? हाँ। यहाँ पर कितना घर में चोरी हुआ तकरीबन? तीन घर में। हाँ। आपके घर से क्या क्या चोरी हुआ? मेरा घर से जो है कि दोनों बक्सा उठा के ले गया पीछे में, 10 भर का पायल और उसमें टका था। देते हैं दूसरा घर बोलना से उसका घर नहीं था। अच्छा, कौन सा जगह पर घर है आपका? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है गीता देवी। हम लोग को सूचना मिली, जब सुबह हम लोग जगे तो सूचना मिली कि हमारे क्षेत्रीय एसपी साहब हैं पंकज कुमार जी, अभी वर्तमान में लखीसराय में पदस्थापित है। उनकी माता जी यहाँ घर पर रहती है, माता परमेश्वरी देवी जी हैं। तो उनके घर में पता चला कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा रात में ट्रंक खोलकर कुछ जैसा बताई उन्होंने कि कासा और पीतल का कुछ बर्तन वगैरह सब था और कपड़ा वगैरह सब को ले जाके छत पे रखा हुआ था। और ये जो
चोरी हुई थी और साथ साथ दो और घर उसी के आसपास में, एक है सुनील यादव और एक है अरुण यादव, जिनके भी घर में जेवर जेवरात और कुछ नकदी सामान गायब होने की सूचना हुई थी। और हम लोग जाके देखे थे तो वाजिब में कपड़ा वगैरह बिखरा हुआ था और चोरी हुई। प्रखंड क्षेत्र में रहते और कहीं? हाँ, प्रखंड क्षेत्र में भी एक सूचना हुई है। फलका प्रखंड चौक पर कदम गाछ चौक पर एक मोनू किराना दुकान स्टोर है, जहाँ तक जानकारी मिली हम लोगों की नकदी कुछ 10 या 15 हज़ार रुपया की चोरी हुई है। इस प्रकार की घटनाएं आए दिन जो है हमारे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और प्रशासन से आग्रह करेंगे इस पर नकेल कसे। आप अपनी परिचय? मनोज मंडल, जिला पार्षद प्रतिनिधि, फलका कटिया। गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2 केबीसी एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दे। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें। साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक केबीसी न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705। आयोजक केबीसी न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे केबीसी न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर है 06452242601 और 06452242700।